आज फूड मेरी दिल्ली आई हुई है गाजियाबाद और मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम गाजियाबाद की सबसे फेमस शॉप लोकनाथ पे खड़े हुए हैं और जो कि फेमस है अपने मिल्क केक एंड लस्सी के लिए। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप फूड मेरी दिल्ली में पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। संजय अरोड़ा। ये 1952 से ये दादाजी ने एस्टेब्लिश करी थी, स्वर्गीय श्री लोकनाथ जी। दादाजी मेरे फादर चले गए, अब मैं हूँ। सारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लस्सी हो गई, मिल्क केक, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, खुरचन, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली उसी में ही स्पेशलाइजेशन है हमारा। देखिए जी, ट्रेडिशनल रेसिपी है। दादाजी ने जब पाकिस्तान से हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो ये उनकी ओल्ड एज रेसिपी है कि जिसे हम आज तक उसी चीज़ में कंटिन्यू कर। नॉर्मल मिलके गए हर जगह बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन होता है जो हमारा है, जिससे कि ये फेमस है वर्ल्ड में। नहीं नहीं, हम सारा सोर्स विलेज से करते हैं, सब गाँव से आता है और हाई उसमें देखा जाता है कि सही उसमें सही फैट हो, उसमें सब चीज़ें सैंपल वगैरह ली जाती हैं, उसके बाद ही प्रोसेस। देखिए बहुत जनरेशन से सर्व कर रहे हैं, पहले छोटे छोटे बच्चे आते थे, अब वो बड़े हो गए हैं, उनके भी बच्चे आ रहे हैं, तो ये प्यार और लोगों का तो सब है ही है और बाकी क्वालिटी भी है जो कस्टमर्स को बांधे रखते हैं। देखिए पहले तो 35 था, अब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो गया सब जगह दूध दूध का, तो 40 कर दिया है। बेसिक लस्सी 40 रुपीज़ की, 480 रुपीज़ पर केजी है। मिल्क हमारा अमेरिका तक जाता है। ये दही के नीचे बिल्कुल फुल क्रीम की दही क्रीम होती है और फुल क्रीम का दूध आता है। तो ये देखिए अब हमारी लस्सी बनने के लिए जा रही है, तो इसमें अब इन्होंने डाल दिया है दही, तो इसमें बर्फ भी डाल दी गई है। तो गर्मियों का सीजन है तो आपको यहाँ पर ठंडी ठंडी लस्सी मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं जो इनकी आइस है वो क्रश्ड है और ये जो मशीन से इन्होंने क्रश्ड आइस रखी हुई है, तो ये रेडी हो गई है। तो अभी डाली जा रही है लस्सी। आप भी ये देखिए, इसमें इन्होंने जो मलाई डाल दी है और जो इनकी मलाई है वो काफी क्रीमी मलाई होती है और इसके ऊपर डाला जा रहा है काजू बादाम केसर। केसर ब्यूटीफुल लग रही है। रूअफ़ज़ा भी डाल दिया इसके ऊपर। तो ये देखिए अब हमारे लिए ये लस्सी रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे गाजियाबाद में जो लोकनाथ जी की सबसे ज्यादा फेमस शॉप है, तो जो इनकी फेमस आइटम्स हैं वो मैंने यहाँ पे लगवा ली हैं। तो सबसे पहले जो इनकी आइटम है वो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मीठी लस्सी और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। नेक्स्ट आइटम है ये शुगर फ्री लस्सी है, कि जो मैंने इसलिए लगवाई है ताकि जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जो लोग मीठा नहीं खा सकते तो उनके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये है रसमलाई और ये है यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस और हॉट सेलिंग मिल्क केक। तो चलिए अब बारी बारी से टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली इनकी लस्सी। इनकी लस्सी है वो नॉर्मल लस्सी से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं, जो ऊपर चीज़ें डाली हुई है उसमें जो लस्सी का जो टेस्ट आ रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। लस्सी निखर गई है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है इनकी लस्सी। जो नेक्स्ट इनकी सबसे ज़्यादा फेमस आइटम है मिल्क केक, तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। वाकई में अब समझ में आया कि यहाँ का मिल्क केक कितना ज़्यादा फेमस क्यों है। जैसे मैंने फर्स्ट बाइट ली है, ये काफ़ी कुछ अलग है। जैसे कि आप कहीं मिल्क केक खाते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, क्रिस्पी बना होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता मिल्क केक में यूजुअली, बट इसमें क्रिस्पीनेस है और बट एट द सेम टाइम ये इसमें सॉफ्टनेस भी है। तो मेरे को तो इनका मिल्क केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप गाजियाबाद आएँ तो इनका जो दोनों चीज़ें जो फेमस है, इनकी लस्सी और मिल्क केक, वो तो आप ज़रूर ही ट्राई करें। ये है रसमलाई, ज्यादा अच्छी है। मैं रेकमेंड करूंगी आपको कि इनका आप मिल्क केक जरूर ट्राई करें, क्योंकि इनका मिल्क केक काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा अच्छा है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आप टाइमिंग क्या है? आपकी टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग में 9 AM, रात को 9 बजे, 9 से 9। चोपला है, पुराना बाजार है, सब जानते हैं, पुराने बाजार के नाम से है, घंटाघर चोपला मंदिर के पास, तो एवरीबॉडी नोस कि कहाँ पे लोकनाथ पूछ लेंगे सब पहुँचा देंगे आपको। 7 डेज ओपन है, 365 डेज ओपन है, आपकी सेवा में है हमेशा। मोबाइल नंबर वैसे तो गूगल पे आप सर्च करेंगे आ ही जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इट्स 9717800020। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अब मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।